अलग से जाती हुई बहुत अच्छी दोनों के दोनों का मन रख दिया। ठाकुर बड़े चतुर, इनमें कौन अच्छा कौन बुरा है, इसलिए सुख के कारण कर्म में प्रवृत्त न होकर के निश्चिंत होकर के कर्म में लगना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से। ऐसा करने पर तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी। ये यहां पर पूरे प्रसंग को विशेष रूप से कहा कि जीव जो है उसको कर्तव्य जो है वही उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है। एषा ते वेदा सांक्षे बुद्धिर्योगे त्रिमांशु बुद्धिया युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधन प्रहस्यति। तो हे पार्थ, एषा ते वेदा सांक्षे बुद्धियोगा, ये हमने समबुद्धि के योग का तेरे सामने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में दो योग बताए गए, एक है सांख्य और दूसरा है योग। ये दो योगों का वर्णन है। सांख्य का मतलब है आत्मा को देह से अलग मानना, और योग का तात्पर्य है कि प्राप्त साधनों का भगवत सेवा के लिए प्रयोग करना। गीता में दो योगों का वर्णन किया गया है, एक सांख्य योग और एक योग। योग माने कर्मयोग और भक्तियोग। ये तो सांख्य, सांख्य का मतलब है कि शरीर के सुख दुख का से प्रभावित नहीं होना, और योग का तात्पर्य है अपने प्राप्त साधनों का परमार्थ के लिए प्रयोग करना, इसका नाम है योग। तो एषा ते वेदा सांख्य, सांख्य की दृष्टि से मैंने तुझे जो बुद्धि का वर्णन किया वो बुद्धि मैंने तुझे दी। एता ते वेदा सांख्य बुद्धि, ये मैंने तुझे सांख्य में सांख्य के हिसाब से बुद्धि दी। सांख्य का मतलब है आत्मा अमर है और उपाधि विनाशी है। अब योगे त्रिमांशु, अब योग की दृष्टि से मैं तेरे सामने कह रहा हूं, योग की दृष्टि से तू बुद्धि से युक्त होकर के विराजमान हो। योग का तात्पर्य है अपने प्राप्त साधनों का भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। इसको भक्ति योग भी कहेंगे और कर्म योग भी कहेंगे, सूक्ष्म में कर्म योग और बाद में भक्ति योग। तो बुद्धि योग और कर्म योग, ये दो योग बताए, इनमें बुद्धि योग नहीं, सांख्य योग और कर्म योग, ये दो योग बताए। सांख्य योग का तात्पर्य है कि आत्मा को मूल कारण करके मानना और शरीर के दुख सुख से प्रभावित नहीं होना। शरीर सुख दुख भोग रहा है, शरीर की जय पराजय हो रही है, आत्मा जय पराजय से मुक्त है, इसका नाम हो गया सांख्य योग। प्रकृति का पुरुष से अलग विचार कर लेना, ये हो गया सांख्य योग। ये सांख्य योग की तरह से मैंने तुझे यहाँ पर बात कही। अब बुद्धियोग की तरह से मैं तेरे साथ में बात कर रहा हूँ। बुद्धियोग का तात्पर्य है कि अपने जो साधन है उन साधनों को ईश्वर ने जो हमको क्षमताएं दी हैं उन क्षमताओं का हम सबसे सुंदर प्रयोग करें, ये हो गया बुद्धियोग। ईश्वर ने हमको जो भी इक्विपमेंट्स दिए, जो भी हमको साधन दिए हैं, उन साधनों का हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ये मुख्य बात है। उसका सबसे श्रेष्ठ उपयोग हम कैसे करते हुए विराजमान हैं। तो एषा ते वेदा सांख्य बुद्धि, अब योगे त्रिमांशु, अब योग में जैसे तू इस बुद्धि का प्रयोग करेगा उसको मैं तेरे सामने कह रहा हूं कि बुद्धिया युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधन प्रहस्यति। कि यदि तू बुद्धि से युक्त हो गया, सम्बुद्धि से युक्त हो गया, तो कर्म बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। तो तुझे कर्म बंधन से बुद्धिया युक्त हो यथा पार्थ,
ये अर्जुन तू बुद्धि से युक्त हो जा, अर्थात मुझे पाप लगेगा इस भाव से मुक्त हो जा, सम्बुद्धि को धारण कर। तो सम्बुद्धि को धारण करने पर कर्म बंधन तुझे नहीं होंगे। कर्म बंधन होगा जब ये चाहेगा कि इस कर्म का फल मुझे मिले तो कर्म बंधन होगा। मैं कर्तव्य समझ करके कर्म कर रहा हूं तो कर्म का बंधन, फिर तुझे बंधन की प्राप्ति नहीं। आगे भगवान कहेंगे लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। तो साक्ष्य निष्ठा का तात्पर्य है निष्कर्ष में, साक्ष्य निष्ठा माने शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, ये विचार करना योग या साक्ष्य। और योग का तात्पर्य हुआ कि मेरे पास में धन दौलत शरीर बुद्धि ये जो कुछ भी है इनका मैं भगवत सेवा के लिए प्रयोग करूं, योग या योग। तो साक्ष्य और योग ये दो गीता के मार्ग हैं। इनमें योग मार्ग के ऊपर श्री कृष्ण विशेष रूप से बल देते हैं, सांख्य के ऊपर उतना बल नहीं है। क्योंकि सांख्य प्रकृति पुरुष का विवेक ये जरा सा कहीं प्रलोभन आया तो व्यक्ति भूल जाएगा, परंतु कृष्ण सेवा करनी है इस प्रलोभन पर यदि वो रहेगा तो वो भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, आगे वर्णन करेंगे कि चंचल एकदम मन है, चंचल में मन कृष्ण प्रमाथी दृढ़तर, वो बड़ा प्रमाद करने वाला है। इससे सांख्य योग के द्वारा मन ज्ञान के द्वारा विचार करने पर भी व्यक्ति ज्ञान को छोड़ देता है, परंतु ठाकुर से प्रीति यदि जोड़ ले और वो अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग करे तो फिर वो भगवान से अलग नहीं होगा, कठिन परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण करते हुए रहेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम नप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अब यहां पर कह रहे हैं कि इस माने इस संसार में मेह अभिक्रम नाशोस्ति, इस सम्बुद्धि रूप जो धर्म है इस सम्बुद्धि रूपी धर्म का कभी भी नाश नहीं होता। वे अभिक्रम नाशोस्ति, इस संसार में अभिक्रम माने असीमने सम्बुद्धि रूपी धर्म का, असीमने धर्म का अभिक्रम माने जो प्रारंभ है उस प्रारंभ का भी नाश नहीं होता है। यदि किसी ने सम्बुद्धि की दृष्टि से सुख दुख में मैं समान रहूंगा ये विचार करके यदि कोई कार्य किया तो उसके कार्य का कभी भी नाश नहीं होगा, वो काम करता ही रहेगा। ठीक है, मुझे काम करना है, मुझे तो अपना काम करते रहना है। तो देह अभिक्रम नाश होती है, धर्म के आरंभ का नाश नहीं होगा, वो मन धर्म से वो कभी रुकेगा नहीं। प्रत्यवायु न विद्यते, प्रत्यवाय माने उसका उल्टा फल भी कभी नहीं होगा, कर्म करने पर उसे उल्टे फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। और यदि उसने स्वधर्म का पालन किया है तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, सम्बुद्धि रूप जो धर्म है, अस्य धर्मस्य माने सम्बुद्धि रूप जो धर्म है, उस सम्बुद्धि रूपी धर्म से बहुत बड़े बड़े भय का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, जो होगा सो होगा, मैं भयभीत क्यों हूँ, मुझे तो अपना कर्तव्य करना है। तो भय की वजह से व्यक्ति घबरा करके कार्य को बीच में ही नहीं छोड़े। हाँ हाँ, समुद्धि समुद्धि रहेगी तो भय नहीं आएगा। समुद्धि रहेगा कि सुख दुख दोनों में एक सी बुद्धि है तो उसको फिर भय नहीं आएगा। श्लोक कह रहा है, श्लोक में कह रहे हैं कि न इह अभिक्रम, इह माने इस सम्बुद्धि में, अभिक्रम माने हमने जो कार्य प्रारंभ किया उसका नाश नहीं है। माने सम्बुद्धि रखते हुए यदि हम
कहीं एक सी भावना रख रही है, अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए सुख मिले या दुख मिले इसमें यदि इक्वल हमारा पर्सपेक्ट है, फल उसका इक्वल फल माने, दुख को भी वैसे ही माने और सुख को भी वैसे ही माने, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवायु का विद्या की हमको कहीं बाधा की प्राप्ति नहीं होती। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प जो भाग है वो स्वल्प भाग भी त्रायते महतो भया, बहुत बड़े भय से बचाने वाला हो जाएगा। त्रायते महतो भया, बहुत बड़े भय से बचाने, बहुत दिन दिखेगा, त्रायते महतो भया, बहुत बड़े भय से भी व्यक्ति की रक्षा हो जाएगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि संबुद्धि धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए तो भय से रक्षा हो जाती है। सकाम यदि कर्म कर रहे हैं और फल नष्ट हो रहा है तो व्यक्ति एकदम घबरा जाएगा और कहा हाय इतना पैसा बेकार हो गया, हमने किया और इतना पैसा बेकार हो गया, तो उसे दुख होगा। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल आने पर वो एकदम घबरा जाएगा, परंतु यदि निष्काम होकर के कर्म किया गया है तो फिर उसे कर्म का फल अनुकूल मिल रहा है तो प्रतिकूल इस बात की उसे चिंता नहीं है। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, निष्काम जो कर्म है सम्बुद्धि का कर्म, अस्य धर्म सम्बुद्धि का कर्म, वह बड़े बहुत बड़े भय से बचाने वाला हो जाएगा। ये श्री भगवद गीता कह रही है कि भगवान में मन लगाना कोई बहुत बड़ी कठिनाई की बात नहीं है। मूल वस्तु है समता, ये समता की वृद्धि होगी तो भगवान में जल्दी से मन लग जाए। ये तो गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता, दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई है उसको गीता सिद्ध हो जाएगी। गीता समभाव को धारण करने वाली वस्तु है, समता नहीं होगी तो गीता सिद्ध नहीं होगी, इसलिए अंतकरण में समता। तत्वतः यहाँ पर यह कहा गया है कि भक्ति के द्वारा समता जैसी आएगी, भगवत समर्पण के द्वारा जो समता आएगी वैसी विवेक के द्वारा समता नहीं आएगी। सही बात तो यह है कि नाम जप करने पर, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करने पर जैसे वे रखे हरि करी सो भली, ये जो भाव है वो भक्ति की समर्पण होने पर जैसा आता है, ऐसे विवेक के द्वारा वो भाव नहीं है। विवेक के द्वारा यदि हमें विचार करें कि अरे दुख मिल रहा है वो भी शरीर को मिल रहा है, सुख मिल रहा है वो भी शरीर को मिल रहा है, आत्मा तो अलग है, अब ये जो विचार किया जाएगा ये विचार कुछ देर तो रहेगा, परंतु जब थोड़ी सी ज़्यादा तेज हवा चली, कठिनाई ज़्यादा आई, आंधी बड़ी आई, तो फिर ये विवेक भी टिपक आ जाएगा, ये विवेक रोकेगा नहीं। तो विवेक रूपी जो छत्ता लगा है, कम हवा है उसको तो रोक लेगा, कम धूप को तो रोक लेगा, परंतु जब आंधी चलेगी तो आंधी में छत्ता काम नहीं करेगा। ऐसे विवेक अधिक आंधी में काम नहीं कर सकता है, परंतु भक्ति अधिक आंधी में भी काम करेगी। निर्गुण इसलिए भक्ति के आधार पर जो समता है उस समता को प्राप्त करना बड़ी बात है। भक्ति के आधार पर समता के लिए जब शुरू शुरू में हम थोड़ा समता का भाव रखें तो भगवान में मन लगाने में सुविधा हो जाएगी। भगवान में मन तो लगेगा उनके गुणों के कारण, उनके माधुर्य के कारण, पर जो समता भाव रखने पर भक्ति की अनुकूलता हो जाएगी। माँ है भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों हैं, ज्ञान और विवेक, वैराग्य विवेक और वैराग्य
ये दोनों ही उसके पुत्र, ऐसी स्थिति में इनकी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। माने भक्ति की सहायता करने में विवेक आवश्यक है, भगवान में स्थिरता लाने के लिए भक्ति की ही आवश्यकता है। तो शुरू में विवेक के आधार पर यदि भक्ति की जाएगी तो वो भक्ति टिकेगी नहीं और कभी भी टकमगा जाएगी, पर ठाकुर के गुणों से आकर्षित होकर के यदि भक्ति की जाएगी तो भक्ति टिकी रहेगी और विवेक को साथ में लेकर की जाएगी तो भक्ति जल्दी से फायदा देती है। ये हृदय में विचार कर लेना चाहिए। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य तायते मातु भया, निष्काम भाव थोड़ा सा भी हो जाए तो सत्य और भय, तो निष्काम भाव थोड़ा सा भी होते हुए वो सत्य को प्राप्त करा देगा और भय को दूर कर देगा। तो जैसे एक मन रुई है तो उसको जलाने के लिए क्या एक मन व्यासलाई की जरूरत पड़ेगी? क्या एक व्यासलाई ही पूरी रुई को जलाने में काफी है? इसी प्रकार यहां पर भी जो एक भगवत भक्ति वो सारे अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भगवत भक्ति का जो भाव है वो सारे अज्ञान को दूर करने में समर्थ हो जाएगा। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अस्य धर्म माने ये जो वैराग्य रूपी धर्म है इसका स्वल्प भाव भी बहुत बड़े भय से जीव की रक्षा कर लेता है। कितना भी अंधेरा हो व्यक्ति प्रकाश की एक लाइन से वह अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवत भक्ति को अपनाना चाहिए। विवेक भक्ति में सहायक है, भक्ति के द्वारा विवेक अपने आप आ जाएगा, सहायक हो जाएगा, परंतु विवेक के आधार पर भक्ति बड़े कठिन से उत्पन्न होगी। भक्ति के आधार पर विवेक ज्यादा टिक जाएगा। भक्ति है सरस, विवेक सर्वदा सर्वदा तर्क के आधार पर है और तर्क बड़ा तर्क आने पर छोटा तर्क डगमगा जाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदनों बहुशाखा हिरण्याकश्यप बुद्धियों व्यवसाय नाम। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ये समृद्धि जो प्राप्त करना है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एका। देख माने समृद्धि के विषय में निश्चय करना यह एक मुख्य वस्तु है। जिसका निश्चय नहीं होगा बुद्धियां वहां भटकती हुई चली जाएंगी। इसलिए बुद्धि को किसी एक निश्चय पर लगाना बहुत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि संशय यदि बुद्धि में रहेगा तो किसी भी चीज को हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक जगह बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसायत्मक का मतलब है निश्चय। बुद्धि को एक निश्चय पर तैयार करना चाहिए, अर्थात कहीं हृदय में अनन्यता भी धारण करनी चाहिए। अनन्यता धारण करने पर फिर कहीं एक जगह चित्र पूरी तरह से लगेगा। और यहाँ गए यहाँ, वहाँ गए वहाँ, ऐसा करने पर बुद्धि यदि एक जगह निश्चय नहीं है तो फिर व्यक्ति भटकता रहेगा, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी इस रास्ते जाएगा, कभी उल्टा लौट आएगा, फिर तीसरे रास्ते पर जाएगा, फिर लोग उल्टा लौट आएगा। इस तरह से इसलिए बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाने के लिए जरूरी है कि ये विचार किया जाए कि मैं भगवान का दास हूँ,
ये भगवत भक्ति को यदि अपनाया गया तो निश्चय आत्मता बुद्धि की उसे प्राप्ति होगी। और यदि ये करूँगी ये करूँगी ये विचार रहा और एक लक्ष्य निर्णय नहीं है, एक साधन कोई पकड़ा नहीं है, तो फिर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। कर्मयोगी का लक्ष्य समता को प्राप्त करना है। यहां पर समता का वास्तविक अर्थ कौन सा है? समता का वास्तविक अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा में भी जाकर के ही सारी वस्तुएं अंत में कहीं स्थिर होती है। तत्व समन्वय, शास्त्र का अंत में समन्वय कहाँ है? अंत में शास्त्र का समन्वय भगवान में। तो व्यवसायत्मक बुद्धि का तात्पर्य है जहां सारी वस्तुएं जाकर के लीन होती हैं, ऐसी वस्तु में ही चित्त को लगा। ये हो गया समता बुद्धि। जगत की वस्तुओं को देखेंगे तो ये मेरा ये तेरा ये भाव रहेगा, विषमता का भाव रहेगा, परंतु ये सारी वस्तुएं जहां जाकर के लीन होंगी वहां पर विषमता समाप्त हो जाएगी। ये विचार करने पर विषमता समाप्त हो जाएगी। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि माने श्री प्रभु ही सम है और सम होने पर उनमें ही एकमात्र बुद्धि लगाना। जब सही रास्ता है, भगवान ने एक जगह बुद्धि अनन्य बुद्धि को लगा दिया तो कामना वासनाओं का त्याग अपने आप हो जाएगा। तो भगवान में चित्र लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रहण करने के लिए अनेक चीज हैं, परंतु मूल वस्तु में चित्र लगाना चाहिए, ये मूल बात है। गीता में इसी व्यवसायत्मक बुद्धि माने अनंत भक्ति योग इसका वर्णन किया। व्यवसायत्मक बुद्धि माने अनंत भक्ति योग उसका वर्णन यहां पर किया। अनंतता बहुत जरूरी है, वो बात कि बिजली पैदा करने के लिए जल के प्रवाह को कहीं रोकना पड़ेगा और एक ओर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही एक जगह भगवान की बुद्धि लगाने, अपनी बुद्धि को लगाने पर फिर कार्य अधिक अच्छी तरह से होगा। बहुशाखा है ताश्य बुद्धियों व्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी माने जिनमें एकाग्रता नहीं है, जिनने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, उनकी बुद्धि अनेक अनेक स्थानों पर जाएगी कि मैं ऐसा करूं इनमें चले। यहां पर ये कहने का तात्पर्य है कि यदि ये विचार कर लिया कि ईश्वर ने मुझे ये जो शरीर दिया है ये ठाकुर की सेवा के लिए दिया है और इस शरीर का मैं भगवत सेवा के लिए उपयोग करूंगा, तो फिर शरीर की रक्षा के लिए जितने भी कार्य हैं वो शरीर की रक्षा करना बड़ी बात नहीं होगी। मुख्य लक्ष्य होगा कि मुझे जो साधन मिले हैं उनका मैं कैसे उपयोग करूं, ठाकुर के लिए उनका उपयोग करना हो जाएगा। और यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो इस शरीर से कभी मैं यहाँ हुआ हूँ, कभी वहाँ हुआ हूँ, कभी ऐसे कपड़े पहन लूँ, फिर नहीं ये कपड़े नहीं वैसे कपड़े पहन लूँ, ऐसा कुर्ता नहीं दूसरे रंग का कुर्ता, दूसरे रंग का नहीं तीसरे रंग का कुर्ता, इनको ही करते हुए भटकते रहे। जबकि लक्ष्य होना चाहिए कि शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए। अब वस्त्र कैसा भी हो, जरूरी है क्या कि कोई बहुत अच्छा कीमती वस्त्र हो, शरीर की रक्षा अच्छी तरह से हो जानी चाहिए, क्योंकि शरीर भगवान की सेवा के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि होने पर तो व्यक्ति फैशन में फंसा रहेगा, पर व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होने पर वो फैशन में नहीं फंसेगा, बल्कि शरीर के द्वारा भगवान का भजन कैसे करना है इस बात में वह केंद्रित होगा। तो यही अंतर हुआ, व्यवसायत्मिका बुद्धि को धारण करें
मन अनंत बुद्धि को धारण करे, और जो अनंत बुद्धि नहीं है, चंचल बुद्धि है, उसका त्याग करे। तो बहुशाखा हिरण्यताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जो अव्यवसायी माने जिनमें एकाग्रता नहीं है, वे लोग उनकी बुद्धि अनेक भागों में बढ़ जाती है और कभी इस ओर भागती है, कभी उस ओर भागती है, लक्ष्य उनका कुछ है नहीं। वे साधन को ही कभी इस पकड़ते हैं, साधन को सजाना चाहते हैं, फिर उस साधन को छोड़ देते हैं, दूसरा साधन पकड़ते हैं और इसी तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कभी एक कपड़ा अपनाया, कभी दूसरा कपड़ा अपनाया, कभी एक डिजाइन, कभी दूसरी डिजाइन, फिर उन डिजाइनों को भी छोड़ देंगे, कपड़े को छोड़ देंगे, परंतु कपड़ा जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है जैसे भगवत सेवा करना, ये मुख्य लक्ष्य है। कपड़ा शरीर की रक्षा करने का एक साधन। तो बहुशाखा हिरण्यताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जो अव्यवसायी माने अनिर्णय वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी भ्रमित रहती है, एक निर्णय कर सकने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं। अब याम इमाम पुष्पताम वाचाम प्रबुदंती अपश्यत वेद वाता रता पार्थ नांदन अस्थि की बाधना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कामनाओं में तन्मय हैं और वे स्वार्थ पर होकर के केवल स्वार्थ की जो बातें हैं, स्वर की बातें हैं, उनको ही सर्वश्रेष्ठ करके मानती है। तो जो कामात्मा है, कामात्मा ना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, जो कामनाओं को जानने वाले हैं, वे स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और स्वर्ग की वेद बाधवता, स्वर्ग में कहे गए जो स्वर्ग की वेद में कहे गए स्वर्ग की महिमा के जो प्रलोभन के पात्र हैं, वाक्य हैं, उनको ही बड़ा करके मानते हैं, अन्य किसी दूसरी वस्तु को वो बड़ा करके नहीं मानते। भोग के सिवाय, भोग प्राप्त हो जाए इसके अलावा कोई उनकी वो दूसरी इच्छा नहीं है, और भोग में कभी भी तृप्ति होती नहीं है। कुछ देर के लिए तृप्ति होती है, फिर से वही भोग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो हे पार्थ, कामात्मा स्वर्ग परा जो सकाम कर्म करने वाले हैं और स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं, वे वेद वादवता वेद में बताए गए कर्म कांड में ही फंसे रहते हैं, और अन्य नौ वे विचार करते हैं स्वर्ग के सुख से बढ़कर के, स्त्री धन पुत्र इनके लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसे बढ़कर के कोई दूसरा सुख है ही नहीं, वे ऐसा मानते हैं। वे वास्तव में अग्नि जो स्वर्ग में प्राप्त होने वाले शरीर के श्रग बनता भोग अमृत इनके सुख को ही बढ़ा करके मान रहे हैं, वे इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सुख है वो मानते ही नहीं है। परंतु स्वर्ग की महिमा में शास्त्रों में जो वचन कहे गए ये सब पुष्पताम वाचाम, वे केवल दिखाऊ शोभा है, वो फल नहीं है। जैसे फूल को खाया नहीं जाएगा, चाहिए फल। फूल अपने आप में खाओगे तो कड़वाई लगेगा, कसैला ही लगेगा, उसमें मिठास नहीं है। जो मूल वस्तु है वो फल में ही है। ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति होना यह पुष्पित वचन ही है, इसलिए इनके द्वारा पुष्पित वचनों में नहीं फंसना चाहिए। जन्म कर्म फल प्रदान, स्वर्ग को प्राप्त करने वाले यदि कर्मों को किया तो फिर जन्म होगा, फिर कर्म करो, फिर मृत्यु को प्राप्त हो, फिर जन्म होगा। तो जन्म मृत्यु का ये चक्र है, ये साइकिल चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का लाइफ डेथ का। इसलिए भोग ऐश्वर्य इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न मत करो, ये हमने तुमने
भोग ऐश्वर्य गति प्रति, ये भोग ऐश्वर्य की बहुत सारी जो गति हैं इन गतियों का हमने यहाँ वर्णन किया। तो हे पार्थ, जो कर्म कांड की प्रशंसा में कहे गए वेदपाद के वचन हैं, उन वचनों में ही उलझ करके ये विचार करते हैं कि स्वर्ग या भोग से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वे अनवेकी हैं, उनको इस पुष्पित माने केवल दिखावे की जो भाषा है उसका त्याग करना चाहिए। और ये विचार करके कि दिखावे की स्वर्ग की भाषा, अंत में हमको जन्म और मृत्यु इनके फल को ही प्रदान करने वाली है, भोगेश्वर की जो गति है, भोग ऐश्वर्य की गति, ये अंत में बंधन को देने वाली है, इस बंधन की गति से मुक्त होकर के उनको सम बुद्धि रखनी चाहिए। सम कौन है? ठाकुर जी। जहाँ पर सारे शास्त्र तीन ही वस्तु हैं, एक है वैकुंठ, दूसरा है जीव, तीसरा है भोग के संसार, परंतु तीनों की गति कहाँ है, तीनों की समता कहाँ है? ठाकुर जी। वैकुंठ के स्वामी भी ठाकुर जी, जगत के स्वामी भी ठाकुर जी, और जीव भी ठाकुर जी का ही दास है, उनमें ही जाएगा। तो जो सम है, सम माने ब्रह्म, ईश्वर, श्री श्याम सुंदर, उनमें ही बुद्धि रखे और उन बुद्धि को रखते हुए विराजमान हो। और इसीलिए कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम दया पर चेत सम, जो भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उनके लिए ही दौड़ भाग दिन भाग कर रहे हैं कि थोड़ा भोग मिल जाए, थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाए, यश मिल जाए, व्यवसाय आत्मका बुद्धव समाधौ विधीयते, वे समाधि में श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्त की एकाग्रता में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं, उनकी एकाग्र बुद्धि कृष्ण में नहीं लगती है। जो भोग ऐश्वर्य में आ सकते हैं और उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वे एकाग्र होकर के भगवान में नहीं लगते हैं। और इसीलिए अंत में एक निर्णय दिया कि वेद के दो भाग हैं, वेद का एक भाग को वर्णन करता है स्वर्ग की महिमा का, और वेद का दूसरा भाग वर्णन करता है वो श्री कृष्ण चरणारविंद की मोक्ष की आनंद की स्थिति का। अब यदि तू कर्मकांड के अंतर चक्कर में पड़ा तो वेद के उस भाग को महत्व देगा जो स्वर्ग की महिमा और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाए उसके लिए करेगा, उसमें फंस जाएगा। तो वेद दो प्रकार के, एक त्रैगुण्य विषय और एक निस्त्रैगुण्य। निस्त्रैगुण्य का तात्पर्य भगवत चरणार्थ, और त्रैगुण्य विषय का तात्पर्य है भोग और ऐश्वर्य। तो वेद दो प्रकार के, भगवान यहाँ पर अंत में निर्णय दे रहे हैं कि तुझे भोग विषयक जो वेद का भाग है उसमें नहीं फंसना है, तुझे भगवत चरणार्थ विषय जो वेद का भाग है उसको फंस, उसका ध्यान। और शास्त्रों में कहा भी यही गया कि वेद में 60% जो भाग है वह है, कहीं 60% भाग वो तो है कर्मकांड का, और उसमें 25% जो भाग है वो है ज्ञानकांड का, और भक्ति विषय वो 14-15% वो भक्ति का। तो यहाँ पर जो भक्ति परक जो वचन हैं उनको ही विशेष रूप से स्वीकार कर, ज्ञान जो भोग विषय वचन हैं उनका त्याग कर, और जो भक्ति विषय या ज्ञान विषय जो पदार्थ हैं, ज्ञानी है तो ज्ञान विषय और भक्त है तो भक्ति विषय, उनको स्वीकार कर। तो त्रैगुण विषय वेदा, वेद त्रैगुण विषय के हैं, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य होकर के विराजमान हो, अर्थात जिस वेद के भाग में निस्त्रैगुण
गुणातीत भगवान का वर्णन किया गया है उनका तू वर्णन कर, उनका तू सेवन कर, इसको आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय श्रीताय गौर हरि गो। उसके लिए दो ही चीज बताइए, एक तो ये बताया कि संसार की असारता का विचार और संसार का जो सुख है वो स्थायी है, दो चीज का विचार करना पड़ेगा, दो चीज का विचार, एक तो अस्थायीता, संसार का सुख अस्थायी है, और एक संसार का सुख परम सुख नहीं असार, ये दो चीज का विचार करने पर फिर संसार के सुख खींचे भी रहे हैं तो उससे चित्त हटेगा। और दूसरी बात जो है वो दूसरी बात ये कि भगवत चरणारविंद में यदि प्रीति होगी तो प्रीति की वस्तु को व्यक्ति जल्दी से नहीं छोड़ता है, जहाँ पर प्रीति बन जाए, प्रीति का स्वाद लग जाए, तो जैसे शराबी खूब जानता है कि शराब बुरी चीज है पर फिर भी वो शराब को नहीं छोड़ सकता है जब उसकी प्रीति हो गई। डायबिटीज का व्यक्ति खूब जानता है कि मिठाई है, मिठाई बुरी है, पर जो फिर भी मिठाई को नहीं छोड़ पाता है, इसी तरह से प्रीति हो जाए ठाकुर जी तो फिर वो प्रीति होने पर अपने आप उस ओर आकर्षित होता है। अच्छा, तो प्रीति प्रीति करने में तो मुख प्रीति करने का मुख्य जो साधन है वो तो माधुर्य का आस्वाद, ठाकुर के माधुर्य का आस्वाद, उस माधुर्य के आस्वादन के साथ में दो चीज और जोड़नी पड़ेंगी, एक ज्ञान और एक वैराग्य। भक्ति है मुख्य साधन, भक्ति के साथ में जैसे डॉक्टर एक देगा मुख्य दवाई और उसके बाद में लाल पीली गोली और देगा, ऐसे ही कृष्ण के माधुर्य को सुने ये तो हो गया मुख्य साधन, और माधुर्य को सुनने के साथ साथ संसार का सुख कुछ समय के लिए है और संसार का सुख अंत में दुख देने वाला है, ये दो चीज माने सुख की असारता और अल्पकालिकता, अनित्यता, असारता और अनित्यता, दो का यदि विचार किया जाए तो फिर भक्ति ज्यादा दृढ़ होती है, पर भक्ति के द्वारा संसार छूटेगा वैसे संसार नहीं छूटेगा। संसार छूटने में मुख्य कारण हरि नाम का जो जप है वह संसार छुड़ाने में मुख्य साधन है, और कृष्ण लीला कृष्ण माधुरी की वेणु माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी पर्कर माधुरी इनका श्रवण करने से तो लोभ होगा, सबसे पहले लोभ, ये लोभ होगा, और लोभ के साथ में दो चीज का और विचार कि संसार का सुख स्थायी नहीं है और ये संसार का सुख असार, ये दो चीज का असारता और अस्थिरता, इन दो का यदि लोभ के साथ में संबंध जुड़ जाए तो दोगुनी वस्तु में लोभ और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर ये संसार अपने हमारे लोभ कैसे बढ़ेगा, नहीं लोभ बढ़ने का तरीका यही है, तो अभी अब भगवान कृष्ण मौजूद है, अर्जुन मौजूद है, फिर भी लोभ उत्पन्न करने का जो तरीका है वो ये है कि लोभनीय वस्तु की महिमा का यदि हमको बोध हो जाए तो लोभ का बोध हो जाए। किसी को यदि ये पता लग जाए कि मेरा धन है तो वो उसके प्रति लोभ हो जाए, तो ये कहीं सबसे पहले जो कमी है वो ये हो रही है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना बड़ा धन ये मेरा है, श्याम सुंदर की इतनी बड़ी मधुरमा मेरी है, ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, बस ये बात उसको अच्छा उसको प्राप्त कराने के लिए उस महिमा को श्रवण करना, उसका तरीका यही है
कि महिमा को श्रवण, महिमा को लीला कथा श्रवण और निरंतर नाम जप, ये दो चीज करने पर ये वस्तु बड़ी मूल्यवान है। संसार की वस्तुएं मूल्यवान नहीं है ये विचार आएगा, और एक बार लोभ लग गया तो लोभनीय वस्तु को उसी प्रकार नहीं छोड़ पाएंगे जैसे कि शराबी शराब को नहीं छोड़ पा, इसलिए लोभ को शराबी शराब को नहीं छोड़ पाता। और उसके अगर बताया मेरे लंच गल रहे हैं और लंच भी गल रहे हैं उसके बाद नहीं बस, वो तो बुराई की बात है, वो तो बुराई की बात है, मन नहीं छोड़ पाता है। इतने से अंश दृष्टान है कि जैसे एक जो व्यक्ति है वो अपनी जो प्रिय वस्तु है धन को नहीं छोड़ पाएगा, तो ठाकुर के प्रति यदि ये भावना उत्पन्न हो जाए कि यह धन है और मेरा धन है, तो फिर उसके प्रति मकसूद होगा। इसके लिए मैंने बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से बताई गई कि यदि किसी को ये पता लग जाए कि गांव के घर में जिस गांव को मैं छोड़कर के शहर में बस गया हूँ उस घर की कोठरी में बहुत बड़ा धन गड़ा हुआ है और वो धन मेरा है, यदि धन का ये उसको जानकारी मिल जाए तो धन के प्रति लोभ उत्पन्न होगा, और लोभ उत्पन्न होगा तो फिर उसके लिए वो प्रयत्न करेगा। तो ये है धंधा जो है लोग होगा तो ये बताए धंधा यूज करने से तो ये मिलेगा, और यहाँ लोग काम सुनने का होने के लिए ये बताए हमें काम लोग कर रहे हैं तो उसका कुछ वो नहीं मिल रहा है, तो हमें थोड़ा होता है कि हमें लोग तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आदमी फिर थोड़ा सा विशेष होता है। ये एक बात है कि मैंने धन को का मैं ठाकुर की सेवा ठाकुर की प्राप्ति ये अपने आप में धन है, मैंने हमने यहाँ पर ठाकुर की प्राप्ति अलग चीज़ है, ठाकुर से हमको कुछ मिलेगा ये चाहना अलग है, तो वो चाहना एक अलग चीज़ होनी चाहिए, चाहना न होकर नहीं ठाकुर से मुझे धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, ये चाहना एक अलग चीज़ है और ठाकुर को चाहना अलग चीज़ है, ठाकुर से चाहना ठाकुर को चाहना ये तो नहीं चाहते पैसा वो तो नहीं चाहते, ठाकुर को चाहते हैं उसके लिए कुछ हमें तो नजर आए सामने कि ठाकुर जी हमें चाह रहे हैं दो कदम बढ़ेगा तो मैं चार कदम बढ़ूंगा, वो चार कदम नहीं तीन कदम भी नजर नहीं आ रहे। उसमें ये है कि ठाकुर माने ठाकुर का जो सेवा है वही अपने आप में हमारे लिए लाभ है, ठाकुर से लाभ नहीं है, ठाकुर की प्राप्ति ही लाभ है, ये भाव नहीं जम रही है। सेवा भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं सारी, तो उसके बाद भी हम दो कदम बढ़े हैं लेकिन चार तीन कदम नहीं बढ़ रहे हैं। ठाकुर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं इस बात, ठाकुर भी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये बात तो कहीं कहीं है। और ठाकुर ने हमको इतना सब कुछ दिया हुआ है, श्वास रहने के लिए धरती दी है, श्वास रहने के लिए हवा दी है, जीवन के लिए पानी दिया है, ये सब तो है। और ठाकुर कहीं वहाँ आदमी कहता है कि उसको सब कुछ दिया हुआ है हमें क्या दिया है, उससे अलग क्या दिया है, वो सबको मतलब जमीन दी है, आकाश दिया है, सारे दिए हैं, सबको दिया है, वो सबको दिया है, हमको क्या अलग से दिया, हम अलग से क्या चीज़ मिली जिससे कि लोग जगह, अलग से क्या चीज़ मिली, इनको दिया इनको दिया सबको, आकाश भी है, सूरज भी है, चाँद भी है, सितारे भी हैं, पानी भी है, सब कुछ है, तो हमें उससे अलग क्या चीज़ मिली, तभी तो लोग जागे उसे जो मिला है उसके द्वारा यदि हम उनके माधुर्य को प्राप्त कर सकें ये लोग माधुर्य को प्राप्त कर सकें, तो माधुर्य को प्राप्त कर सकने के लिए उन्होंने कई कुछ ये बात तो दे दी कि मैंने वैष्णव इन साधनों का उपयोग करके कोई व्यक्ति
सर्वश्रेष्ठ वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकता है। स्कूल में एडमिशन मिल गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, पर एडमिशन मिलने के बाद में फिर पढ़ाई भी मिले, ये भी तो बात है, और पढ़ाई और ज्ञान भी मिला। ज्ञान मिला है तो मैंने कहीं वे श्री गुरुदेव के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण कुछ हमको ज्ञान प्रदान कर नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न था कि ईश्वर ने कुछ चीज़ें सबको दी हैं, सबको दी हैं, सबको दी हैं, तो हमको विशेष क्या दिया? विशेष क्या दिया? विशेष विशेष तो उसको विशेष तो ये है कि उनकी कृपा से हमको कहीं भक्ति करने का एक सुअवसर और मार्ग कहीं हमारा खुला। बहुत सारे लोगों को मार्ग खुला नहीं, हमको वो मार्ग खुला खुला, लेकिन फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? अब उसका डूब रहे हैं, अब उसका डूब क्यों नहीं रहे? उसका वो मार्ग बड़ा आकर्षक है, हमको उसकी आकर्षकता की ओर अपने आप को कहीं प्रस्तुत करना है, और जो बाधा वस्तुएं हैं उनको कहीं ये बात, तो हम कहीं जो नेगेटिव जो पावर है, नेगेटिव एनर्जी, उसको हम कहीं रोके, और जो पॉजिटिव एनर्जी उनकी कृपा से हमको विशेष रूप से मिली है, जनरल से भी एक्स्ट्रा होकर के जो विशेष एनर्जी उन्होंने जो प्रो एनर्जी हमको प्रदान की है, उस प्रो एनर्जी के प्रति हम बढ़े, और जो एंटी एनर्जी है उस एंटी एनर्जी के प्रति हम बढ़े। तो उन्होंने प्रो एनर्जी तो प्रदान की कि गुरु वैष्णव का संग प्राप्त करा दिया, मनुष्य देह ले लिया, मनुष्य देह में गुरु वैष्णव का संग किसी किसी को प्राप्त करा दिया, ये तो प्रो एनर्जी तो उन्होंने प्रदान कर दी। पर प्रो एनर्जी करते हुए हमने वो जो उस कृपा का न तो सदुपयोग कर रहे हैं, और बल्कि कृपा के विरोधी जो वस्तु हैं उनको यदि हम कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बचे तो वो जल्दी से वो वस्तु हो जाएगी। और उसके लिए निरंतर नाम जप श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीन जो साधन है वो तीन साधन कहीं होंगे। तो बहुत बढ़िया बात, मैंने इसको निष्कर्ष को कहीं लेना चाहिए कि सबसे पहले एक छोटा सा विवेक अपने हृदय में जो रखना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे ये जीवन दिया गया काय के लिए, यहाँ से हम शुरू करें कि मुझे ये जीवन दिया गया काय के लिए, कि मैं सुख को प्राप्त करूँ। अब मेरे सामने दो प्रकार के सुख हैं, एक सुख है जो उसकी असारता का और उसकी अनित्यता, अनित्यता और असारता इन दोनों का विचार किया तो उससे थोड़ा सा चित्त हटेगा, और चित्त हट करके मूल जो वस्तु है वो मूल वस्तु भगवत सेवा है, भगवान का माधुर्य, उस माधुर्य के प्रति उनकी इतनी कृपा रही कि उस माधुर्य का मुझे ज्ञान नहीं था कि ये माधुर्य मेरी संपत्ति है, इसके लिए उन्होंने गुरु वैष्णवों को हमको प्रदान को मिला दिया, ये उनका एक कदम आगे बढ़ना था। हम जरा सा भी उत्सुक हुए गुरु के ओर वैष्णवों की ओर तो उन्होंने कृपा कर दी, तो ये हो गया उनका दो कदम आगे बढ़ना। अब दो कदम आगे बढ़ने के बाद में हमको हमारे धन का पता लग गया, जब धन का पता लग गया तो अब धन के प्रति, धन को प्राप्त करने के लिए हमको जो साधन है वो साधन करने हैं, साधन करने में प्राप्त करने वाले जो साधन हैं उनको तो अपनाना है, और जिन साधनों से बाधा आती है उनसे हमको बचना है। मन उस धन को प्राप्त करने के लिए हमको वाम मार्ग जो है उससे नहीं जाना है, हमको पश्चिम का जो मार्ग है मन कर्मकांड उससे नहीं जाना है, हमको ज्ञान का मार्ग, वहाँ पर वो जो शेरनी बैठी है वो शेरनी उसको खा जाएगी, कर्म मार्ग में जाएंगे तो वहाँ पर ततैया लग जाएंगे, नहीं कर्म मार्ग में जाएंगे तो वहाँ पर भोग में फंस जाएंगे, यदि शोक मार्ग में जाएंगे तो वहाँ पर हमको ततैया लग जाएगी। तो इन सबसे बचते हुए जो भक्ति का कृपा का मार्ग है, उस कृपा के मार्ग को यदि हम अपनाएं तो कृपा के मार्ग को अपना करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ठाकुर की
भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर है वो हमें है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे जीवन दिया गया था भगवत सेवा के लिए। भगवत सेवा के लिए जब दिया गया तो भगवत सेवा कोई बड़ी चीज़ है? काय के लिए सेवा करें? ठाकुर मुझे कुछ दे तो रहे नहीं है, मैं काय के लिए सेवा करूँ? तब श्री गुरुदेव बताएंगे कि नहीं, भगवान का माधुरी ही सबसे बड़ी वस्तु है, और यदि जो चीज़ दी जाएगी वो चीज़ तो विनाशशील है, और जो उनकी अपनी मधुरमा है वो ही सबसे बड़ा धन है, उनकी सेवा ही अपनी सबसे बड़ा धन है। यदि उस सेवा धन के ऊपर मेरी दृष्टि हो जाएगी, उसका परिचय हो जाएगा, तो परिचय होने पर फिर उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा। अब प्रयत्न करने पर जो उस प्रयत्न में बाधक वस्तु हैं उनका मैं त्याग करूँगा, और जो साधक वस्तु हैं उनको मैं ग्रहण करूँगा। तो साधक वस्तुओं में कहीं श्रवण कीर्तन स्मरण नाम जप, ये तीन वस्तुएं हैं, और स्मरण नाम जप, ये तीन चीज़ जो है वो तीन चीज़ मुख्य होंगी। तो इनको अपनाने पर, अब जैसे कृपा बरस रही है, यह छत्ता मैंने लगा रखा है तो वर्षा मेरे ऊपर नहीं गिरेगी, तो दशा भी यही हो रही है कि ठाकुर की कृपा भी बरस रही है, उन्होंने मुझे साधु संग भी प्रदान किया, वैष्णव संग भी प्रदान किया, गुण निष्ठा भी प्रदान की, धाम निष्ठा भी प्रदान की, परंतु मैं विषयों की ओर उन्मुख हो रहा हूँ, तो विषयों को त्याग करने का भी प्रयत्न करना चाहिए और उस कृपा को ग्रहण करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो उसको ग्रहण करने के लिए जो प्रयत्न करेंगे, उस ग्रहण करने के प्रयत्न करने पर फिर उस वस्तु की प्राप्ति, और उसके लिए वो ये कहा कि माने पूर्व के मार्ग से जाना, पश्चिम के मार्ग से मत जाना, अर्थात ज्ञान के मार्ग से मत, माने कर्म मार्ग से मत जाना, उत्तर के मार्ग से मत जाना, माने योग जो ज्ञान का मार्ग है उससे मत जाना, कर्म मार्ग नहीं ज्ञान मार्ग नहीं, और दक्षिण के मार्ग से भी मत जाना, इसका मतलब है कि जो योग मार्ग है उससे भी मत जाना, भक्ति के मार्ग से जाना, भक्ति के मार्ग से जाने से। तो जो चूक हो रही है वो चूक ये हो रही है, मूल बात जो है, जो कन्फ्यूजन फैला रहा है कि ठाकुर का मधुरमा यही धर्म।